हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज मैं लिपस्टिक का रिव्यू करूंगी एंड आपके लिपस्टिक की क्रेविंग को मिटाने के लिए आज मैं रिव्यू करूंगी लोटस मेकअप इको स्टे मैट लिकर को सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, पहले इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं सो so, इसका प्राइस है सेवन हंड्रेड एंड इसमें फाइव क्वान्टिटी आपको मिलता है सिक्स एम ये आपको नायका अमेजोन एंड लोटस के ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके टोटल फोर्टीन टेम्पटिंग शेड्स आपको मिल जाएंगे सो so, इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा है so, ना ये थोड़ा सा बुलेट लिपस्टिक की तरह दिखता है इसका जो एप्लीकेटर है ये प्री मच ब्रॉड है इसे लगाने से पहले अगर आप लिप बम ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बहुत स्मूथली आपके लिप के ऊपर ग्लाइड हो जाता है एंड इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो शेप है ना वो आपके लिपस्टिक को लगाते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इसका फिनिश बहुत ब्यूटीफुली मैट है इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है आप एक ही ग्लाइड में अपने पूरे लिप को टिंट कर सकते हो एंड आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना पड़ता है ओके okay. एक ही स्ट्रोक में ये आपके लिप को बहुत अच्छे से टेंड करता है सो so, ये सो uh, so ये है ई एल टेन रोज ब्लूम का स्वाच एंड अभी मैं दिखाती हूँ वाइन वेल्वेट का स्वाच एंड कैन सी वाह सो so लोटस के मेकअप हंड्रेड परसेंट नेचुरल होते हैं वेगन होते हैं क्रुएल्टी फ्री होते हैं इसमें बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं सो so इसमें विटामिन ई शिया बटर जैसे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी है इसके फोर्टीन टेम्पिंग शेड आपको मिल जाएंगे सो मोस्टली लिपस्टिक्स के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है कि इसे लगाने के बाद आपका लिप बहुत ज्यादा ड्राई बन जाता है एंड फ्लैकी दिखता है जिससे आपका लिपस्टिक बहुत ही गंदा दिखता है इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लिप बाम के बिना आपके लिप में इतने अच्छे से बैठ जाता है कि आपका लिप बिल्कुल भी फ्लैकी नहीं दिखता बिल्कुल भी ड्राई नहीं दिखता ये लिपस्टिक्स बहुत हाईली पिगमेंटेड है इसके तो दो बेनिफिट्स हैं पहला आप थोड़े से प्रोडक्ट को लेके अपने पूरे लिप को बहुत अच्छे से टेंट कर सकोगे एंड नंबर टू बहुत लोगों के ना लिप पिगमेंटेड होते हैं थोड़ा काला पड़ जाता है लिप So, उन लोगों के लिए ना ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि ये इतना पिगमेंटेड है कि ये आपके पिगमेंटेड लिप को भी ओवरलैप कर जाता है एंड आपको बिल्कुल वही शेड मिलता है जो आप लगाना चाहते हो ना इसका एक और प्लस पॉइंट भी है दैट दिस इज ट्रांसफर प्रूफ ये ट्रांसफर प्रूफ वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है जिसकी वजह से ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एकदम ठीक ठाक आप आपके लिप के ऊपर रहता है ये बिल्कुल भी तस् से मस नहीं होता सो so, ये डे लाइट में कुछ ऐसा दिखता है एंड ये नॉर्मल रूम लाइट में कुछ ऐसा दिखता है एंड इसका मैट फिनिश बहुत ही अच्छा लगता है मोस्टली मैट लिपस्टिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है मैट लिपस्टिक मैट बिल्कुल भी नहीं होते बट इसका फिनिश आप देख सकते हो दिस इज़ प्रटी क्यूट एज अ लिपस्टिक ये मुझे और लगा क्योंकि एज अ बेस्ट लिपस्टिक जो भी फीचर्स होने चाहिए ये सब में पास है ये हाईली पिगमेंटेड है ये लॉन्ग लास्टिंग है ट्रांसफर प्रूफ है वाटर प्रूफ है लॉन्ग लास्टिंग है स्मच प्रूफ है इसके साथ साथ इसका फिनिश बहुत ही बहुत ही परफेक्टली मैट है सो so, अगर आप मेरी मानो तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी सो आई होप दिस रिव्यू वॉज हेल्पफुल सो